हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सिद्धार्थ शुक्ला का था सलमान खान की मां सलमा खान के साथ काफी गहरा रिश्ता। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। भाई बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो सलमा खान से मिल भी चुके हैं और सलमा खान जो हैं यानी कि सलमान की मम्मी वो उनकी तारीफों के पुल भी बांध चुकी हैं। दरअसल सिद्धार्थ के जाने के बाद सलमा खान के साथ यानी कि सलमान खान की मम्मी के साथ उनका बहुत गहरा कनेक्शन सामने आ रहा है। जी हाँ, एक बार कहा गया था सिद्धार्थ से कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सलमान खान की मदर सलमा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं और वो आपके शो बालिका वधू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इस बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा था कि ये बहुत अच्छा लगता था कि भाई वो उन्हें ये मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद था, वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। सलमान खान की मदर सिद्धार्थ से मिली भी थी, उनसे बात भी की थी और वहीं उन्होंने ये भी बताया, सिद्धार्थ ने बताया था एक इंटरव्यू में कि भाई ये बहुत बड़ी बात है कि सलमान खान उनके बेटे हैं लेकिन वो फिर भी मुझे पसंद करती हैं, मेरे काम को पसंद करती हैं। सिद्धार्थ ने ये भी बताया था कि वो एक बार हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया के शूट पर आई थी और उनके साथ यानी कि सिद्धार्थ के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था और वो बात करती हुई नज़र आई थी कैरेक्टर के बारे में शो के, और उन्होंने बताया कि कैसे वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और देखना पसंद करती थी टीवी पर, और उन्होंने सिद्धार्थ को फ्यूचर के लिए ढेरों सारी बधाइयाँ दी थी और ये भी कहा था कि वो ये चाहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में। भाई ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा फैंस को रुला भी रही है। वैसे आपको एक बार याद ही होगा कि बिग बॉस सीज़न 13 में सिद्धार्थ ने ये भी कहा था आपकी माँ मेरी माँ, और फिर उन्होंने कहा था कि उनकी मॉम का बर्थडे है। खैर क्या कहना चाहेंगे आप इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।